शैतान राजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हमारे चैनल। हमने आज हम बनाएंगे फलिया जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। उसके लिए हमने कुछ मसाले, ये देखो मेरी दर हो रहा, लहसुन, दो प्याज, अदरक, दो टमाटर और हाँ थोड़ी सी हरी मिर्ची। अब हमने प्याज और लहसुन को काट लिया है, छोटा छोटा करके देखें बड़ी से काट लिया है। इसी तरह हम टमाटर को भी कट कर लेंगे। और ये देखिए अदरक का हमने एक छोटा सा टुकड़ा बस लिया है, सारा हम अदरक नहीं डालेंगे, अदरक का हम पेस्ट बना लेंगे। और हरी मिर्ची भी हम मोटी मोटी कट कर लेंगे, दो हरी मिर्ची हम रखते हैं, उनको कट नहीं करेंगे, उनको सेंटर से काट के वो अंदर डालेंगे। अब हमने लिया है एक पैन लिया है, उसमें हमने तकरीबन दो चम्मच हमें बड़े ऑयल के डाले हैं। अब इसमें हमने प्याज और लहसुन लहसुन को हमें शामिल कर दिया है। प्याज और लहसुन को हमें शामिल करने के बाद थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल मेरे बहुत पसंद है। लहसुन का वो भी इसमें ऐड कर दिया है और उसको भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। और बाद में जब हल्के से फ्राई करेंगे तो हमें हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर देंगे। और हल्का सा फ्राई करके थोड़ा सा अगर पानी डाल देंगे, पानी डाला एक गिलास हमने पानी डाला है। अब इसमें एक चम्मच लाल मिर्च, हंसके ज़रूरत नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के इस मसाले को हमने प्रेशर प्रेशर में डाल देना है और 5 मिनट के लिए इसको प्रेशर पर लगे रहने देना है। अगर आपके प्रेशर में पानी जल्दी ड्राई हो जाता है तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। ये देखिए 5 मिनट के बाद ये देखेंगे प्याज जो है, मसाले जो है ये गल चुके हैं अच्छी तरह से। जो कलिया उनको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसको उस टाइम तक भूनेंगे जब तक इसका ऑयल बाइट ना निकला मसाले का। तो ये देखेंगे भूना स्टार्ट हो गया है और ये पेस्ट बन गया है। एक मसाला ही देखें ऑयल जो है बाहर निकलाया है और मसाला जो है अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसके अंदर कलिया डाल देंगे, कलिया डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और तकरीबन एक गिलास इस पर पानी का शामिल कर देंगे। पानी का शामिल करके हमें इसको 2 से 3 मिनट प्रेशर में लाना है। 2 से 3 मिनट की बचे की तो हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे। चूल्हे को बंद करने के बाद हम इसका प्रेशर का कैप ऑन करेंगे। ये देखेंगे कलियाँ जो है अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब हम इसको इस टाइम तक पकाएंगे जब तक इसका ऑयल बाहर ना आ जाए। तो ये देखिए पक चुकी हैं फलियाँ, बहुत ही मज़ेदार सी फलियाँ रेडी हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि कैसी बनी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज़ बनती हैं इस रेसिपी से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।